पूर्णिया लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा पड़ता है, जिसमें कोढ़ा विधानसभा एक है, जहां पे लगभग 3 लाख मतदाता अपने 26 अप्रैल का मत का प्रयोग करेंगे। इस लोकसभा से 3 प्रत्याशी कह सकते हैं जो मजबूत हैं वो खड़ा है। जहां एनडीए से संतोष कुमार मैदान में हैं, तो वहीं महागठबंधन से बीमा भारती पर महागठबंधन ने भरोसा जताया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव भी यहां से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। लगातार पप्पू यादव 3 बार यहां से सांसद रह चुके हैं और इस बार फिर से वो कांग्रेस की नैया पर तो गए थे सवार होने, लेकिन कांग्रेस ने उनको बेरा पार नहीं किया और महागठबंधन के राजद के खाते में ये सीट चली गई। इसके बाद भी जनता के समर्थन से पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतर गए। हालांकि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं संतोष कुमार, उनको पूरा विश्वास है कि मोदी जी उनकी नैया को पार लगा देंगे। तो वहीं बीमा भारती 17 महीने 4 लाख रोजगार के दावे जो तेजस्वी यादव के हैं उनके बदौलत यहां पर टिकी हुई है। हम जनता जनार्दन के पास में है कोढ़ा विधानसभा में, क्या है मूलभूत समस्या और किसके सर पर ताज सजने वाला है, हम वो जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल जमाव की है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं पुल नहीं है। आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझता हुआ ये कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र है, जहां नेता तो यहां की जनता तो चुनती जरूर है, लेकिन नेता जो है उस चुनी हुई जनता को भूल जाती है। हम बात करते हैं एक एक करके, यहाँ पे बहुत तमाम लोग खड़े हैं, क्या है समस्या आप लोगों का? यहाँ का समस्या मूल है, नाला नहीं है और बिजली की समस्या है, ना हॉस्पिटल का लच्चर व्यवस्था है। जितने भी कोढ़ा विधानसभा में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, किसी में ना डॉक्टर है ना नर्स है और ना यहाँ कॉलेज है, किसी तरह का पढ़ाई शिक्षा में लच्चर व्यवस्था है। जो हमारे 10 साल से यहाँ सांसद रहे, शायद उनका यहाँ नाम भी कोई लेना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उनका सब जगह विरोध हो रहा है, क्योंकि कभी वो पब्लिक कंसल्ट में नहीं रहा है। हम लोग अबरी खुल के पप्पू यादव के साथ हैं, अबरी कोरा विधानसभा में कैची चलेगा, कैची चलेगा। देखिए जनता अब खुल के बोलने भी लगी है, क्या लगता है? एकदम लग रहा है कि इस बार जो है पप्पू यादव जी ही आएंगे। पप्पू यादव ही आएंगे, क्या लगता है? पप्पू यादव 3 बार तो सांसद रहे हैं यहाँ से, क्या काम कर दिए? बहुत काम किए, अभी भी कर रहे हैं, आप देख लीजिए। लेकिन मधेपुरा चले गए ना, हो गरीब का समस्या हो, मधेपुरा भी चले गए थे ना पूर्णिया छोड़ के, आप लोग को छोड़ के। हाँ, तो इसीलिए तो इस बार हम लोग लाए हैं कि हम लोग को देखिए। वो खुद नहीं आए, खुद नहीं आए, हम लोग लाए हैं, सारे आदमी मिल के लाए हैं, पब्लिक लाए हैं, उनके कार्यकलाप, उनका जो गरीबों के प्रति मसीहा बने हुए हैं, सबका विकास चाहते हैं, सबका समस्या को सुनते हैं। क्या है समस्या यहाँ का? यहाँ का सबसे बड़ी मूल समस्या जो है विकास, विकास के नाम पर कुछ नहीं है, पुल पुलिया सब जगह टूटा फूटा है, अभी तक कहीं नहीं हुआ है, गांव घर में नहीं सड़क है, नहीं कुछ व्यवस्था हुआ है, जो पहले का बना हुआ है वही चल रहा है। नगर पंचायत में आप देखिए, यहीं पर हैं आप, नाली टूटा हुआ है, पानी बह रहा है, गंदा चल रहा है, गंदगी फैला हुआ है। आप शिक्षा में चलिए, शिक्षा में आपका सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इंटर के बाद जो है ग्रेजुएशन के लिए एक यहाँ से 20 किलोमीटर पूर्णिया, 25 किलोमीटर कटिहार यहाँ के छात्रों को जाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या तो वो हो जाती है शिक्षा। मन बना लिए हैं, मन बना लिए हैं, सत्ता परिवर्तन चाहती है, सत्ता परिवर्तन चाहती है। चलिए, क्या है सर बुनियादी? कहे तो आपको हम लोग सब मिलके, हम लोग जनता का मांग है, हम लोग जनता सब मिलके पप्पू यादव को जिताना चाहते हैं। पप्पू यादव जिताना चाहते हैं, चलिए पप्पू यादव को जिताना चाहते हैं, जनता का मांग है, क्या लग रहा है चाचा? पप्पू यादव पसंद है हमको, नेता बढ़िया है, बीमा भारती आए हुए लालू, हम लोग नहीं उसको जानते हैं, नहीं पप्पू यादव का छात्र जानते हैं बहुत जमाना से। क्या कहेंगे पप्पू यादव? महिलाओं के लिए कुछ हुआ है अभी तक? बहुत कुछ। क्या बताइए, जब बहुत कुछ हुआ है तो फिर कहाँ इधर उधर जा रही है? कहाँ इधर उधर जा रहा है? इसमें है पप्पू यादव के साथ। फिर पप्पू यादव से पहले तो आप बोले बहुत कुछ हुआ है, तो फिर एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आप बोले बहुत कुछ हुआ है। नहीं, आप लोग आप जो बोल रहे हैं कि बहुत कुछ, बहुत कुछ का मतलब ये हुआ कि महिलाओं का साथ दिए हैं, समर्थन किए हैं, साथ दिए हैं गरीबों तक। बताइए क्या समस्या आया? हम लोग का समस्या तो मेन है जल जमाव, शिक्षा, जैसे कि हमारी बच्चियां हैं अभी पढ़ने का टाइम में
किसी नेता को मिलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन हमारा नेता के साथ मिलने के लिए हम लोग को नहीं सोचना पड़ता है। इसलिए इस बार हम लोग कैची छाप को लाएंगे, यानी पप्पू यादव आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं। क्या नाम हुआ? स्वास्तिका यादव। क्या नाम? स्वास्तिका कुमारी। पढ़ाई उड़ाई का नीतीश कुमार दिए हैं? नहीं, हम नीतीश को नहीं जानते, हम पप्पू यादव को जानते हैं। नीतीश को नहीं जानती हैं, लेकिन साइकिल वाइकिल तो साइकिल दिए हैं। कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिला नीतीश से, पप्पू यादव से हम लोगों सब कुछ मिलेगा। आप बताइए। हमारे वो गरीबों का मसीहा पप्पू यादव, और हर दुख दर्द में वो खड़े चढ़े। क्या छाप है? कैची छाप। तब लेकिन 3 बार से तो मधेपुरा से लड़ रहे थे। नहीं, पूर्णिया से लड़ रहे हैं, पूर्णिया से इस बार पूर्णिया से लड़ रहे हैं, और जनमीन नेता है और उसको धोखा मिला है, और फिर भी हम लोग उसको, हाँ, निर्दलीय खड़े हैं, उसको दिल से समर्थन हम लोग कर रहे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी जाति हो, सब मिल के दिल से उसको समर्थन दे रहे हैं, और हर दुख दर्द में जनमीन नेता है, वो खड़े चढ़े रहते हैं, कोई तरह की भी घटना होती है वो तुरंत पहुँचते हैं। जनता हमारे बीच में, हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या है समस्या यहाँ का? सर कोई समस्या नहीं, विकासमय हो गया है, आप तो जानिए रहे हैं कितना विकास हुआ है। हम 2005 वाला बिहार नहीं देखना चाहते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे, इतना खनता था, हम लोग फुलवरिया चौक से गेड़ाबाड़ी आने का काम करते थे, 2500 गाड़ी पलटी मारा हुआ रहता था। ना हमको लालू यादव राज चाहिए, ना कोई चाहिए, हमको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। अब 16 तारीख को आ ही रहे नरेंद्र मोदी, देख लीजिएगा कितना विकास हुआ है और क्या होने वाला है। पूर्णिया ही नहीं, हम 40 के 40 सीट माननीय नरेंद्र मोदी के झोला में देंगे। यहाँ तो सब पप्पू यादव का नारा लगा रहे हैं। पप्पू जी भी हैं हमारे कॉन्टेस्ट में। माननीय पप्पू यादव सांसद रहे थे पूर्णिया में, और कटिहार, जब कटिहार से कट के ये विधानसभा पूर्णिया में गया है, उस समय से पप्पू यादव नहीं रहे हैं, हमेशा एनडीए का ही सांसद रहे हुए हैं। तो लेकिन जब विकास की बात है तो आप देखिए सड़क की क्या स्थिति है, बिजली पहले आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। विकास है, विकास, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ, जल जमाव से जूझ रहा है, अस्पताल में दिक्कत है, इसके बाद आपका रोड नहीं है, पुल नहीं बना है, फलका की स्थिति। 24 घंटा इमरजेंसी चालू है, बिहार की पुलिस प्रशासन हमेशा आपका एकदम तैयार रहती है। आप कॉल करके देखिए, चाहे कोई थाना प्रभारी हो तो या डीएम हो, डीएसपी हो, कोई भी एक सेकंड एक कॉल पर आने का काम करते, वो बिहार का काम है। चलिए, बिहार का काम है क्या? चलिए बताइए बताइए। देखिए, यहाँ के लिए, पूर्णिया के लिए पीएम भी पप्पू यादव है, सीएम भी पप्पू यादव है। आज आप पहले हर जनता को पता है कि संसद में बेस्ट अवार्ड का ये मिला है पप्पू यादव, तो मधेपुरा से मिला है। जब मधेपुरा, वो अपना मधेपुरा, वो जनता का आवाज उठाया तभी तो मिला। सुपौल से उनकी पत्नी को मिला है। सुनिए, वो जनता का आवाज उठाया तभी तो मिला। आज पूर्णिया का हर समस्या का आवाज उठाएगा, संसद गूंजेगा पप्पू यादव युवा साथ में। जो बीमा भर्ती का नाम ले रहे हैं, वो अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाती है, तो वो क्या विकास करेगी पूरा पूर्णिया का? जैसे वो बोले कि पुलिस सुनता है, पुलिस नहीं सुनता है आपका, पुलिस और बसी हो गया है, महिला को तो देखना नहीं चाहता है। सुनिए, पहला बात आपका मोदी जी सुन ले कि हर चीज में, यहाँ तक किचन में वो जीएसटी लगा दिए, कफन में लगा दिए, पढ़ाई में लगा दिए, ठीक है, हमारा किचन तक वो लुटेरा घुस गया, हमारा जमा पूंजी नोटबंदी करके निकाल दिया। झूठ क्यों बोला कि नोटबंदी है, कहाँ गया पैसा? बोला 1-1 करोड़ रुपया आपके खाते में जाएगा, महिला को झूठ बोल के 1 करोड़ नहीं बोला था, छोड़िए 15 लाख हुआ। कहने का मतलब, आप वादा करते हैं, निभाना सीखिए। नहीं नहीं, आप वादा करते हैं, नहीं ना जानते हैं, निभाना भी चाहिए। आप पुरुष को धोखा दिए, चला महिला को भी धोखा दे दिए किचन में, जो अपना खाना काट के बाल बच्चों को खिलाती है, आप किचन में घुस गए, कैसे बोले कि अच्छा है? रोड आप बना दिए आपके मोदी। सवाल चलिए बताइए। मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि इस बार का चुनाव, हमको समस्या बताइए, चुनाव पे नहीं जाना, चुनाव तो आप वोट दीजिए, समस्या बहुत है। सांसद रहे, दो टर्म से सांसद रहे हमारे कुशवा जी, आज जाके खेड़िया से जाके चंदवा वाला रोड देखिए, रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है पता नहीं चलेगा, समस्या ही समस्या। आज तक उन्होंने झांकने नहीं आया, ना गेड़ाबाड़ी झांकने आया, ना इस क्षेत्र कोड़ा क्षेत्र को खास करके
कभी भी झांकने नहीं आया है संतोष कुशवाहा जी, तो किस आधार पे हम लोग उसको वोट करें और किस आधार पे उसको वोट दें और किस आधार समस्या बताइए क्या है अभी पूरा समस्या है? रोड का समस्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का समस्या है, अगर भयानक एक्सीडेंट हो जाए यहाँ पर ना वेंटिलेटर की व्यवस्था है ना ही कोई अच्छी डॉक्टर की व्यवस्था है, सीधे मोड़ के घाट उठा देते हैं यहाँ पर, कोई यहाँ अस्पताल की सुविधा इस तरह से जर्जर है कि आप जाके अस्पताल का मुआयना जाके कर सकते हैं। क्या कहेंगे, आरोप लगा रहे हैं? नहीं नहीं सर, बेबुनियाद आरोप है। अभी आप ही चलिए, आप देख के अस्पताल का क्या स्थिति है, अस्पताल में दवाइयाँ हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ नहीं है, सारा सुख सुविधा उपलब्ध है हॉस्पिटल में, कुछ नहीं है। हमसे पूछिए, मेरा पेशेंट जो है ना दो दिन रह गया, लास्ट में रेफर किया पूर्णिया में, अंगद कुमार चौधरी का जो पत्नी आभा प्रसाद, वहाँ जाके ऑपरेशन करवा के ड्राइवरी करवाए। 10 वर्ष से जो सांसद हैं वो काम नहीं कर सके। हालांकि 16 अप्रैल को पूर्णिया में रंगभूमि मैदान से मोदी जी जो है वो गरजेंगे, इसके बाद पता चलेगा कि आखिर तीन जो यहाँ से कैंडिडेट खड़े हैं, प्रत्याशी खड़े हैं, वो जनता किसके सर पे ताज सजाने का काम करती है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल।